पंजाब असेंबली ने MPI रिफॉर्म्स एक्ट 2019 मंजूर कर लिया है। बिल के तहत मेडिकल टीचिंग इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए सूबाई मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। पंजाब असेंबली में मंजूर करदा बिल के तहत मेडिकल टीचिंग इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए सूबाई मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। हर अस्पताल का किसी न किसी मेडिकल टीचिंग इदारे के साथ इलहाक होगा। इन इदारों की इंतजामी कमेटियां भी बनाई जाएंगी। इंतजामी कमेटी के पास MTI के मुलाजम की बरतरफी और तकर्री का एहतियार होगा। पॉलिसी बोर्ड अस्पतालों की कारकर्दगी समेत दीगर मामलात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करेगा। पॉलिसी बोर्ड अस्पतालों के ऑडिट को यकीनी बनाएगा। हर मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट का बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, जिसके मेंबरान में कानून, इंतजामिया और मेडिकल सर्विसेज और फाइनेंस के माहिरीन शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर MTI की पॉलिसी और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। सूबाई पॉलिसी बोर्ड MTI की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को सिफारिशात देगा। MTI हुकूमत को अपनी कारकर्दगी से आगाह करने का पाबंद होगा। वजीर आला पंजाब के पास टीचिंग इदारों के ऑडिट कराने का इख्तियार होगा। डीन इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। अस्पतालों के कंसल्टेंट्स अंदर और बाहर प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाएगी। अस्पतालों के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों को मुराआत मिलेंगी। कंसल्टेंट्स की फीस का तायुन बोर्ड करेगा। पॉलिसी बोर्ड के मेंबरान की तादाद 5 से कम और 7 से ज्यादा नहीं होगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर सालाना बिजनेस प्लान की मंजूरी देगा। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सलमान हसीब ने MTI एक्ट को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। कहते हैं बिल हॉस्पिटल पर नाफिज नहीं होने देंगे। जो फ्री इलाज मुआवजा है वो फंडामेंटल राइट है हर शख्स का। ये पहली हुकूमत है जो सरकारी अस्पतालों में पैसे लेने, फीस लेने और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की रकम मुख्तस करने जा रही है। ऐसा घिनौना काम तारीख में पंजाब की आवाम के साथ नहीं हुआ या किया गया जो इस वक्त PTI की हुकूमत ने कर दिया है। पहले से ही पंजाब भर में जो है इलाज मुआवजे की सहूलियात लिमिटेड हैं, बेड कम है। उनमें से भी जब एक बड़ा हिस्सा आप प्राइवेट इलाज के लिए मुख्तस कर देंगे तो जो गरीब मरीजों के अस्पताल हैं उनके ऊपर आप काबिल इस्तेमाल और अमीर लोगों का भी कब्जा करवाने जा रहे हैं। लाहौर में बादलों के बसेरे मौजूद हैं, बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा, जबकि हालिया बारिशों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। लाहौर में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब मजीद बढ़ गया। मगरबी हवाओं के साथ पंजाब में दाखिल होने वाला सिस्टम 2 रोज तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ जगहों पे जो है वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और ये जो सिलसिला है ये 24 से 48 घंटे के दौरान जो है मजीद जो है इसी तरह वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो दरमियानी से तेज दर्जे की बारिश भी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुँच रहा है, जबकि गन्ना मकई की काश्त में ताखीर हो रही है। सब्जियों और पौधों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस वक्त गंदम की फसल तैयार है तो उस वजह उसके ऊपर भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों की वजह से छोटे नदी नालों में तोगयानी का खदशा है, जिस पर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के माबैन PSL 5 का 25वां मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कजाफी स्टेडियम में बारिश और आउटफील्ड गीली होने के बाइस दोनों टीमों के दरमियान मैच टॉस किए बगैर मनसूख हो गया। मैच मनसूख होने के बाइस दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। मुल्तान सुल्तान की टीम 12 पॉइंट्स के साथ बददस्तूर पॉइंट्स टेबल पर पहले और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 7 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है। जुमेरात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मध्य मुकाबला आएंगी। कजाफी स्टेडियम में 15 मार्च को मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। PSL मैच और बारिश, ट्रैफिक जैम होने से आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर शहरी शदीद नाला रहे। लाहौर में एक तरफ मौसलाधार बारिश और दूसरी जानिब PSL के मैच की वजह से सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में आई। मैच शुरू होने से काफी देर कबल सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गयी, जिसकी वजह से स्टेडियम से मुलहिका सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। जेल रोड, मेन ब्लू वर्ल्ड, MM आलम रोड, माल रोड, कलमा चौक, बरकत मार्केट, मुस्लिम टाउन, केनाल रोड और इससे मुलहिका सड़कों पर सफर करने वाले शहरी रुल गए। मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर शहरी ट्रैफिक वार्डन्स की नाहली को कोसते नजर आए। ट्रैफिक का निजाम दरम भरम होने पर आवाम में शदीद गम और गुस्सा देखने में आया। उनका कहना था कि मैच की अहमियत अपनी जगह, मगर दूसरे लोगों को तंग होने से बचाना भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हसन खालिद, लाहौर।
शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निजाम भी बैठना शुरू हो गया। लेस्को के 62 फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निजाम भी मुतासिर होने लगा। कंपनी के 62 फीडर ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से सार्फीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब बारिश के दौरान लेस्को के लाइन स्टाफ को काम करने में दुश्वारी दरपेश है। बाद इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा के मुताबिक बारिश के दौरान बर्की लाइनों पर काम करना स्टाफ के लिए नुकसान का बन सकता है, इसलिए जिन इलाकों में बारिश रुक जाती है वहां बहाली का काम शुरू कर दिया जाता है। साल 2019 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले 5.5 लाख लाहौरिये एफबीआर के रडार पर आ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एफबीआर ने साल 2019 के गोशवारे जमा न कराने वाले 5.5 लाख लाहौरियों को 40,000 रूपए फी कस जुर्माना करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। आरटीओ 2 ने साल 2019 के इनकम टैक्स गोशवारे और असासा जात की तफसीलात जमा कराने के लिए एक माह की मोहलत दे दी है। चीफ कमिश्नर आरटीओ 2 अहमद शुजा खान की हदायत पर कमिश्नर सैयद महमूद हुसैन जाफरी की सरबराही में नोटिस जारी किए गए हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 ने साल 2019 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वालों के साथ ऐसे तमाम अफराद को भी नोटिस जारी कर दिए हैं जिन्होंने एनटीएन तो हासिल किए लेकिन कभी गोशवारे जमा ना कराए। नॉन फाइलर्स और एनटीएन होल्डर्स में प्राइवेट कंपनियों से सालाना 4 लाख रुपए से जायद तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की कसीर तादाद भी शामिल है। साल 2019 के नॉन फाइलर्स में वाडा, SNGPL, लेस्को, पुलिस, FIA, पाकिस्तान रेलवेज, मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन और सरकारी व गैर सरकारी हस्पतालों के डॉक्टर्स व मुलाजमीन समेत 66,427 तनहादार मुलाजमीन भी शामिल हैं। रिजवान नकवी, City 42। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के सिविल वर्क्स की आखिरी अदायगी 1,59 करोड़ जारी कर दी गई। चीनी बैंक के इज़म और दीगर पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने सिविल वर्क्स की मद में LDA को 55 अरब रुपए की मुकम्मल अदायगियाँ कर दी हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबे को सिविल वर्कर्स और E&M दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। सिविल वर्कर्स की मद में पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 55 अरब रुपए का तखमीना लगाया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब को इजाफी वर्कर्स और अलाइड सर्विसेज के लिए आइंदा एडिशनल फंड्स का सहारा लेना होगा। ऑरेंज लाइन के लिए बैंक ऑफ पंजाब से बुर्ज फाइनेंसिंग के तहत 10 अरब का कर्जा रेगुलर कराने के लिए भी सोच विचार शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक 10 अरब की रिवॉल्विंग फंड को EDP का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड को EDP का हिस्सा बनाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट PMA और महकमा फाइनेंस में मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बाकी सिविल वर्कर्स के लिए चीनी बैंक कोई अदायगी नहीं करेगा। दाता दरबार के दाखिली रास्तों के तदीन और आयश करके बैनुल अगामी तर्ज के सिक्योरिटी सिस्टम की तंसीब का फैसला किया गया। हवाले इस रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तैयार करदा वर्किंग पेपर्स के मुताबिक दाता दरबार में दाखिले से कबल 3 दर्जा सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने इब्तदाई तौर पर 4,70,00,000 रुपए का तखमीना लगाकर वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है, जबकि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सैफ अंजुम ने MCL को दाता दरबार के एंट्री पॉइंट्स की तजीनो आरइश की इजाजत दे दी है। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक दाखिली रास्तों पर कंक्रीट की दीवारें और बम प्रूफ कैबिन्स तामीर किए जाएंगे। 12 वॉक थ्रू गेट्स, 2 लगेज स्कैनर मशीन और मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे, जबकि 25 CCTV कैमरे लगाकर मुकम्मल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम को फाल किया जाएगा। नए प्लान के मुताबिक दाता दरबार के दाएं और बाएं जानिब के गेट्स हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जबकि दाता दरबार का सिर्फ 1 दरवाजा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खोला जाएगा। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ राउदिल शाह हुसैन, City 42। अभी आपको बताएं शेख हिजाज ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की कामयाब 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल, गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। शेख इजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर के 14 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, इनकी अहलिया परवीन सरवर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर इजाज ने खसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और मरीजों की अयादत भी की। शोभा नेफ्रोलॉजी की जानिब से गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से वॉक का भी एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि गंदे पानी की वजह से बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुखय्यर हजरात के तआवुन से मुख्तलिफ शहरों में नस्फ फिल्टर प्लांट्स को दोबारा फाल कर रहे हैं। हमने इंशाल्लाह ये फैसला किया है कि अगले 4 सालों में हम पूरे पंजाब में हर गाँव, हर कस्बा, हर शहर में इंशाल्लाह पीने का साफ पानी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर इजाज का कहना था कि सेंटर में हर साल 50,000 से ज्यादा अफराद को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की जाती है। ये ख्वाब भी पूरा हुआ कि ये शायद पंजाब का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बन गया।
اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر بنے. ہمارا اگلا سٹیپ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اب اس طرف ہے, اور دوسرا کہ یہ سب سے بڑا ٹرانسپلانٹ سینٹر پنجاب کا بنے. شیخ اعجاز احمد ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر کی جانب سے گردوں کے عالمی دن کے حوالے سے کیپ لاہور کڈنی ایویلویشن پروگرام کا اعلان کر دیا گیا. پروگرام کے تحت پورے سال کے لیے جناح ہسپتال شعبہ نیفرولوجی مفت گردوں کی تشخیصی سہولیات فراہم کرے گا. کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42. شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا مکروہ دھندا بے نقاب ہو گیا. انارکلی پولیس اور ضلع انتظامیہ کی بروقت کارروائی سے شہری زہر آلود چکن کھانے سے بچ گئے ہیں. سستا شوارما اور برگر کھانے والے ہو جائیں ہوشیار. ضلع انتظامیہ اور پولیس کی بروقت کارروائی سے 1200 کلو مردہ مرغیوں کی کھیپ پکڑی گئی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری اور ایس پی سول لائنز دوست محمد کھوسو بھی موقع پر پہنچ گئے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری نے بتایا کہ سہیل مسیح مردہ مرغیوں کو شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے کے لیے لے جا رہا تھا. ملزم کے مطابق اس کھیپ کو فوڈ پوائنٹس پر فروخت کیا جانا تھا. اتنی بڑی مقدار میں مردہ مرغیوں کی کھیپ شہریوں کو کھلانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. اس کی سپلائی کا پوائنٹ کوئی ایک نہیں تھا, شہر کے مختلف علاقوں میں اس کو سپلائی کیا جانا تھا اور یہ پھر ڈفرینٹ پرپزز کے لیے بھی استعمال ہونا تھا. جو ابھی تک ہم نے انویسٹیگیشن جو ایس ایچ او صاحب نے بھی کی ہے اس کے تحت یہی چیز سامنے آئی ہے کہ ڈفرینٹ شہر کے فوڈ پوائنٹس پہ یہ بندہ جا کے شاید ان کو آگے سپلائی کرتا. ایس ایچ او سہیل کاظمی نے کہا کہ پولیس نے ملزم کو ناکہ بندی کے دوران استنبول چوک کے قریب سے حراست میں لیا. میوزنگ کے ساتھ والی روڈ پہ ہمارے کے ایس آئی نے ناکہ لگایا ہوا تھا, اس میں جب اس کو چیک کیا گیا تو اس میں مردہ مرغیاں پائی گئیں. فوری طور پہ اس نے یہ ہمیں بتائی, ہم نے اس کے بارے میں اسی صاحب سے بات کی اور اس کو فوری طور پہ قابو کیا. ملزم سہیل مسیح نے کہا کہ ٹولنٹن مارکیٹ سے مردہ مرغیاں لے کر مختلف مارکیٹس میں سپلائی کرتے ہیں. ٹولنٹن مارکیٹ سے ہم اٹھاتے ہیں اور باقی کچھ کچرے میں ویسٹ کر دیتے ہیں, کچھ جو ہے شیروں والوں کو دیتے ہیں. مردہ مرغیوں کی 1200 کلو کھیپ کو پکڑ کر مکروہ دھندے کے کردار کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا, لیکن اس مکروہ دھندے کے اصل کرداروں تک بھی پہنچنا ہوگا. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. دبکے شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار بھی ہے, لیکن ضلع انتظامیہ کتے تلف کرنے میں بالکل ناکام ہے. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 37 افراد کو کتوں نے کاٹ لیا. آوارہ کتے شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں. مسلسل کتے کاٹے کے واقعات شہریوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. متاثرہ شہری کہتے ہیں کہ آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کرے. یہ آوارہ کتے نے کاٹا ہے, بہت آوارہ کتے ہیں ادھر. انتظامیہ کو بڑی دفعہ کہا ہے, انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا, بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے. میں چونکہ امر سدو تو آیا وہاں سے, میں نے کتے نے وٹیا ہے, 5-7 بچیاں ہور نو وڈیا ہے, سکول بچے سکول جانے تے بڑے تنگ ہوندے نے. ٹھوکر تے آیا, وارا کتے تھے بڑے تے نماز پڑھن تے وی تنگ. شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 37 افراد کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا, جنہیں سرکاری علاج گاہوں میں اینٹی ریبیز ویکسینیشن کی گئی. کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری, سٹی 42. ڈالر کی پرواز تھم نہ سکی. کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 80 پیسے مزید مہنگا ہو گیا. ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پر صنعتکار اور تاجر دونوں پریشان ہیں. کاروباری ہفتے کے تیسرے دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 80 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے اضافے کے بعد 158.50 روپے پر بند ہوا, جبکہ 3 روز میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 4.20 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت 80 پیسے اضافے کے بعد 157.80 روپے اور قیمت خرید 158.30 روپے پر بند ہوئی. ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پر پیاف کے چیئرمین میاں نعمان کبیر کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر معاشی ایمرجنسی نافذ کرے. موجودہ عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے ڈالر کی قیمت میں اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے, اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ حکومتی ٹیم کی نا اہلی ہے. تباہ و برباد ہو گئی ہے انڈسٹری, اور یہ جو جس طرح ڈالر ایک مرتبہ پھر بہت تیزی سے اوپر جانا شروع ہوا ہے, یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ حکومت کی معاشی ٹیم بالکل فیل ہو گئی ہے. صنعتکاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں معاشی ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہیں آ سکی ہے, جبکہ مسجد کے باہر سے شہری کی گاڑی چوری ہو گئی. گلبرگ سے چور موٹر سائیکل لے اڑا. ادھر معمولی تر کلامی ملزمان نے فائرنگ کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا.
सुंदर का रिहायशी सैयद मंजर मेहदी मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क करके नमाज की अदायगी में मसरूफ था कि ताक लगाए चोर शहरी की गाड़ी ले उड़े। मुतासिरा शहरी का कहना है कि उन्हें शुबा है कि उनकी गाड़ी उनके मुलाजिम गुलाम मुस्तफा ने चोरी करवाई। सीसीटीवी में चोरों को गाड़ी चुरा कर ले जाते देखा जा सकता है। गालिब मार्केट थाने की हदूद गुलबर्ग में चोर मोटरसाइकिल चुरा कर फरार हो गया। चालाक चोर अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। चोंग में नामालूम अफराद ने मामूली तलख कलामी पर फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया। मुहाफिज टाउन के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने तलख कलामी पर शहरी इरफान को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। शहबाज सतला अगवा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम एसएसपी फखर अदील को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर चुका है, मामला हसास नौयत का है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए, पुलिस का अदालत में मौकिफ। शहबाज ततला एडवोकेट के अगवा और कत्ल के जुर्म में एक माह से मफरूर मुल्ज़िम एसएसपी अदील मुफ़ख़्खर को पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी हिसार में मॉडर्न कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाजिया महबूब की अदालत में पेश किया। अदालत के रूबरू पुलिस ने मौकिफ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया है कि शहबाज ततला को कत्ल करके लाश को तल्फ कर दिया गया है। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त में कहा कि मुल्ज़िम मुफ़ख़्खर अदील ने शहबाज ततला की लाश की जगह की निशानदेही करनी है। मामला इंतहाई अहम नौयत का है। केस के मजीद हकायक आना अभी बाकी है। मुल्ज़िम को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। शहबाज ततला के वर्सा के वकील सैयद फराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्ज़िम की लाश ले जाने की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, हमें पंजाब पुलिस की तफ्तीश पर एतमाद है। मॉडर्न डिवाइसेस के सीक्वेंस के अंदर इस तफ्तीश को पंजाब पुलिस मुकम्मल किए हुए, लेकिन मैं एक आपको बात कहता चलूं, बतौर कंप्लेनेंट काउंसिल हमें पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस पर पूरे तरीके से एतमाद है। मुल्ज़िम एसएसपी मुफ़ख़्खर अदील के वकील आफताब बाजवा ने कहा कि शहबाज ततला के कत्ल की एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है। मुफ़ख़्खर अदील को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। ये ततला साहब के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, अभी इनको शक की बिना पर मुफ़ख़्खर साहब को पकड़ा है और इनका रिमांड लिया गया है और हमने आज रिमांड को कंटेस्ट नहीं किया। पुलिस की जानिब से शरीक मुल्ज़िम असद भट्टी को अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस ने असद भट्टी को 15 फरवरी को गिरफ्तार किया था। असद भट्टी तहाल पुलिस की हिरासत में है। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ जावर चौधरी, सिटी 42। इसी हवाले से बात करें, मुफ़ख़्खर अदील ने कत्ल गैरत के नाम पर किया या कुछ और वजूहात थी? पुलिस ने शहबाज ततला और मुफ़ख़्खर अदील की मुश्तरका प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए एक्साइज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से राब्ता कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुफ़ख़्खर अदील की बाकायदा गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से बयान अदालत में दिया गया कि मुफ़ख़्खर अदील ने अपने दोस्त शहबाज ततला को गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ किया है, लेकिन इस केस में पुलिस को मिलने वाले शवाहिद और दोनों के तर्ज जिंदगी के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल की वजूहात कुछ और है। मुफ़ख़्खर अदील केस को किसी दूसरी जानिब ले जाने की कोशिश कर रहा है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर के मुताबिक केस की तहकीकात जारी है और मुफ़ख़्खर अदील और शहबाज ततला की प्रॉपर्टीज की तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। पुलिस ज़राए ने बताया कि केस की तफ्तीशी टीम ने मुफ़ख़्खर अदील के गैरत के नाम पर कत्ल के बयान के अलावा मुबैना प्रॉपर्टियों पर तफ्तीश शुरू कर दी और कत्ल मुमकिना तौर पर मुश्तरका कमर्शियल प्रॉपर्टी के तनाजा पर किया गया। पुलिस ने महकमा एक्साइज और रेवेन्यू से दोनों के नामों पर मौजूद प्रॉपर्टियों की तफसीलात मांग ली है। दूसरी जाने मुफ़ख़्खर के बयान के बाद पुलिस ने मुफ़ख़्खर की बीवी को भी शामिल तफ्तीश करके उससे बयान की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया। और अब लेस्को से तंग सारिफीन के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा तवानाई पंजाब ने ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी शिकायत पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने बिजली की शिकायत के हवाले से ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि पोर्टल से बिजली सार्फीन घर बैठे शिकायत का इंदराज करा सकेंगे। पहले मरहले में लाहौर रीजन के सार्फीन इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे, जबकि अगले मरहले में पोर्टल का दायरा कार पूरे पंजाब तक बढ़ाएंगे। जो खुली कचहरियाँ लग रही होती है उनसे इंशाल्लाह लोगों की जान छूट जाएगी। आप घर बैठे अपनी कंप्लेंट लॉज करेंगे और हमारा डिपार्टमेंट उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको हल करा के लोगों को वापस रिप्लाई करेंगे। डॉक्टर अख्तर मलिक ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने ज़ाती मुफादात की खातिर महंगे मंसूबे लगाए। जब दुनिया मुतबादल ज़राए तवानाई पर जा रही थी तो गुज़िश्ता हुकूमत ने इम्पोर्टेड फ्यूल को तरजीह दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अब आवाम महंगी बिजली की वजह से ज्यादा बिल देने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात का एहसास है और इसीलिए सस्ती बिजली की पैदावार के मंसूबे लगा रहे हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा साउथ बट लाहौर।
महंगाई के जिनको बोतल में बंद करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ही ना अहल हैं। 16 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 16 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जवाब तलबी कर ली। इन मजिस्ट्रेट से 1 मार्च तक 7 मार्च तक ड्यूटी में गफलत का मुजाहरा करने पर जवाब तलबी की गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अपने अपने इलाके में इतवार बाजारों और मार्केट्स में अशिया जरूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने और सरकारी रेट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर रखी थी। नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में नायब तहसीलदार सिटी लाहौर हसीब अहमद, सोशल वेलफेयर ऑफिसर शाहिद सरोया, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राहिला, असिस्टेंट डायरेक्टर अलीम मोहियुद्दीन, सब रजिस्ट्रार जहूर हुसैन, सब रजिस्ट्रार दाता गंजबख्शून उस्मान बुखारी और नायब तहसीलदार शालीमार राना मोहम्मद नदीम शामिल हैं। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ जंजुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मॉलटाउन राना मोहम्मद उस्मान, SDO वासा गुलबर्ग मोहम्मद काशिफ, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी रायवेंट तनवीर खालिद, तहसीलदार शालीमार इमरान सफदर, तहसीलदार शालीमार मोहम्मद मनीर, नायब तहसीलदार इस्माइल शाहिद और वेटरनरी ऑफिसर लाइफ स्टॉक डॉक्टर रबीना नसीम भी नाकस कारकर्दगी दिखाने वालों में शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने नाकस कारकर्दगी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से 3 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है, बसूरत दीगर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ राउदिल शाह हुसैन, सिटी 42। गवर्नर हाउस को नौब्याहता जोड़ों के फोटोशूट्स, गाइड टूर और कॉर्पोरेट फंक्शंस के लिए खोल दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट का इजरा भी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि नून लीगी MPAs की वजीर आला से मुलाकात पर कोई कयामत नहीं आ गई। गवर्नर हाउस के सब्जाजार के बाद इमारत को भी आवाम के लिए खोलने का फैसला। फोटोशूट कराना हो, कोई प्राइवेट इवेंट या इमारत को अंदर से देखना हो, पैसे देकर बुकिंग कराई जा सकेगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए गवर्नर हाउस की वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बिजनेस प्लान जारी करते हुए कहा कि 9 ब्याहते जोड़े 50,000 रुपए में वीडियो और फोटोशूट कर सकेंगे। कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए लॉन का किराया 10 लाख होगा, ताहम चैरिटी फंक्शन के लिए 50% रियायत होगी, जबकि वीकेंड पर गाइडेड टूर्स भी हो सकेंगे। जहां तक तो कॉर्पोरेट इवेंट्स का ताल्लुक है, वो तो एनी डे पॉसिबल जो पार्क में होती, जिन्होंने गाइडेड टूर करना है गवर्नर हाउस का, वो वीकेंड पे होगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ये सहूलत सियासी जमातों के गवर्नर हाउस में जलसों या इजलास के लिए नहीं होगी। उनका कहना था कि अब तक 4 लाख लोग गवर्नर हाउस के लॉन की सैर कर चुके हैं। वजीर आला पंजाब से अपोजिशन के अराकीन असेंबली की मुलाकात पर उनका कहना था कि हल्के और आवाम के काम के लिए अपोजिशन अराकीन असेंबली बरतानिया जैसे मुल्क में भी वजीर आजम से मिलते रहते हैं। अगर वो MPA मिले हैं तो कोई ऐसी क्यामत वाली बात नहीं है, उनके अपने हल्के के इश्यूज हैं जो एड्रेस करने के लिए वो चीफ मिनिस्टर साहब से मिले। गवर्नर हाउस में इस्लामिक एड तंजीम और आप पाक अथॉरिटी के दरमियान MOU साइन करने की भी तकरीब हुई। कैमरामैन वसीम निसार के साथ जाफी बट, सिटी 42। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की शरीफ बरादरान पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि 70 करोड़ से जाती उम्र की दीवार बनाने वाले को कैसे अवामी मसाइल का गम खाया जा रहा है। 2008 में पंजाब असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वालों को आज असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक का ही सामना है। सूबाई वजीर ने मसाइल हल करने के लिए मुतालिक़ महकमों को हिदायत जारी की। नून लीग और PP के MPAs की वजीर आला से मुलाकात पर उनका कहना था कि 2008 में नून लीग ने काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, अब उनका क्या उनके सामने आ रहा है। नून लीग की तो तादाद ही पूरी नहीं थी, नून लीग ने काफ लीग का एक बहुत बड़ा 56 अफराद पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ये इनकी वो कहते ने हाथों दियाँ बनिया दंदा ना खोलनिया पैंदियाँ, हूँ इन्हों दंदा ना खोलनिया पैनिया, जो इन्होंने किया हूँ इन्होंने भरना पैना है। मियां असम इकबाल का कहना था कि अवामी पैसों से रायवंड महल के 70 करोड़ की दीवार बनाने वालों को अवामी मसाइल का क्या पता, शरीफ बरादरान की औलादें और कारोबार बाहर हैं। अब इनके किचनों के अंदर सरकारी काम नहीं जा रहे, क्योंकि इनके घरों की दीवारें जो हैं वो 70-70 करोड़ रुपये से बनी है रायवंड के अंदर। गरीब आदमी की दीवार यहाँ पर गिर जाए तो कोई पूछता नहीं है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल है, रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग हो रही है। सूबाई वजीर की जानिब से खुली कचहरी के बाद बिला सूद कर्जे के 50,000 मालियत के 70 चेक लोगों में तकसीम किए गए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ फारहान यामीन, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान से लीगी अरकान असेंबली की मुलाकात हुई। निशा डाह कहते हैं कि नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदान भी लौटे ही हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले MPA निशात डाहा का कहना है कि मियां नवाज शरीफ समेत दीगर अहम सियासी रहनुमा भी लौटे हैं। लीगी रहनुमा वारिस कल्लू बोले कि 5 लीगी MPA के बदले 25 हुकूमती MPA मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। नवाज शरीफ खुद लौटा नहीं है, शुबाज शरीफ ये भी तो पहले किसी और पार्टी में थे, सारे लौटे हैं।
ہمیں سودا مہنگا نہیں، پانچ کے بدلے میں پچیس، پچیس یہ وہی ہے جو ہم خیال گروپ بنا تھا، جی وہی ہم خیال گروپ فارورڈ بلاک گروپ ہے۔ صوبائی وزراء اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف کی ملک میں عدم موجودگی کی وجہ سے لیگی رہنما پارٹی سے دل برداشتہ ہو کر تحریک انصاف سے رابطے کر رہے ہیں۔ ہم تو کسی چیز کو بھی پروموٹ نہیں کر رہے، تو لوگوں کے فیصلے ہیں، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ غداروں کا ضمیر بھی انہیں معاف نہیں کرتا، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں کو شوکاس کریں گے۔ جو نواز شریف کے ساتھ تھے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، یہ کھڑا ہے مرزا جوید، یہ کھڑے ہیں عمران بٹی صاحب، اختر بادشاہ صاحب کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی آخری قطرے تک خون کے نواز شریف کے ساتھ رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر دھوکہ اور فراڈ ہے، اور آئندہ الیکشن میں جو ہے عوام ان کو بری طرح مسترد کر دیں گے۔ آج ہم ان کو شوکاس بھی دے رہے ہیں اور ان سے ایک ہفتے میں ہم جواب بھی مانگیں گے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آج بھی مقبول ترین جماعت ہے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ عمر اسلم۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا قابل قدر اثاثہ ہیں جو بیرون ملک سے زر مبادلہ پاکستان بھیج کر ملک کی اہم خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے سے سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ پنجاب چودھری سلیم بریار نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے آمنہ الفت اور نعیم طاہر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال خصوصاً پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری سلیم بریار نے اپنے دورہ امریکہ اور لندن کی رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے پارٹی قیادت کو آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا قابل قدر اثاثہ ہیں جو بیرون ملک سے زر مبادلہ پاکستان بھیج کر ملک کی اہم خدمت کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پاکستان کے معاشی حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکی کانسلر جنرل کیتھرین روڈریگز کی تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عبدالعلیم خان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی کانسلر جنرل کیتھرین روڈریگز نے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عبدالعلیم خان سے گلبرگ پارٹی آفس میں ملاقات کی۔ عبدالعلیم خان نے امریکن کانسلر جنرل سے ملکی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکن کانسلر جنرل کا کہنا تھا کہ امریکہ تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کر رہا ہے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں مزید اضافے کے خواہاں ہیں۔ ایف 16 لڑاکا طیارے کو حادثے کے دوران آبادی سے گھرنے پر بچاتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم کا تعلق لاہور سے نکلا۔ نماز جنازہ آج صبح اسکریٹن میں ادا کی جائے گی۔ ایف 16 طیارے کے حادثے میں شہید پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم کا تعلق لاہور سے ہے۔ شہید فائٹر پائلٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اکرم خان کے صاحبزادے ہیں۔ شہید پائلٹ کے سوگواران میں ان کی اہلیہ 13 سالہ بیٹا طلحہ اور 8 سالہ بیٹی آئینہ بھی شامل ہیں۔ شہید پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم کا نماز جنازہ صبح 11:30 بلاک اے اسکری 10 میں ادا کیا جائے گا۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم کا تعلق جی ڈی پی کے 106 کور سے تھا اور وہ پاکستان ایئر فورس کے 9 اسکواڈن کے آفیسر کمانڈنگ تھے۔ سماجی رہنما ملک سلمان کھوکر کی جانب سے بی بی زینب علیہ السلام اللہ کی شہادت کے سلسلے میں مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس سبارہ کے مجلس میں خصوصی شرکت۔ یو سی 110 نیاز بیگ میں ملک سلمان کھوکر کی جانب سے بی بی زینب علیہ السلام اللہ کی شہادت کی مناسبت سے عزاداری مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس سبارہ، ملک نوکر حسین کھوکر، سید مجاہد شاہ، تنویر عباس، یاسر بارہ اور عثمان بارہ سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت تقسیم کی گئی اور ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں، پنجاب اسمبلی کے اراکین میں ماحولیاتی آلودگی سے آگاہی کے لیے ورکشاپ منعقد کروانے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی اور ماحولیات پر کام کرنے والی این جی او کے درمیان ایم او یو پر دستخط کیے گئے۔ ماحولیاتی آلودگی سے آگاہی کے لیے ورکشاپس منعقد کروانے کے لیے پنجاب اسمبلی اور ماحولیات پر کام کرنے والی این جی او کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ ایم او یو پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور این جی او کی صدر شازیہ رفیق نے دستخط کیے۔ ایم او یو کے تحت آلودگی کے خلاف آگاہی کے لیے ورکشاپس اور سیمینارس منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عوامی نمائندوں سمیت تمام مخاطب فکر کی آگاہی کے پروگرامز کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف عوامی نمائندے اور این جی اوز مل کر جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اراکین کی تربیت اور آلودگی کے خاتمے کے لیے پروگرامز کے فوکل پرسن ممبر صوبائی اسمبلی سید یاور عباس بخاری ہوں گے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نااہلی، صوبے بھر کے 48,000 اسکولوں میں داخل 69% بچوں کے داخلوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ داخلوں کے ریکارڈ کی درستی کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کام شروع کر دیا ہے۔ صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی جعلی انرولمنٹ کا معاملہ ہے۔ اس رائے کے مطابق اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس 69% بچوں کے والدین کے شناختی کارڈ نمبر سے تصدیق شدہ نہیں ہیں، جبکہ اس رائے کے مطابق اسکولوں میں داخل 1,70,21,000 بچوں میں سے صرف 41% بچوں کا تصدیق شدہ ریکارڈ موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق اسکول ایجوکیشن کے پاس 69,11,000 بچوں کے والدین کا شناختی کارڈ نمبر غیر تصدیق شدہ ہیں، جبکہ 48,10,000 بچوں کے والدین کے شناختی کارڈ اسکول انفارمیشن سسٹم پر اندراج درست کیا گیا ہے۔ سی سی پی او ذوالفقار حمید کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر عرفان اقبال شیخ، دیگر عہدیداروں اور مارکیٹ کے تاجر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سی سی پی او نے کہا کہ لاہور محفوظ شہر ہے، پہلے کبڈی ورلڈ کپ ہوا، اب پی ایس ایل ہو رہا ہے۔ امن و امان کی مزید بہتری کے لیے لاہور پولیس متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ سی سی پی ذوالفقار حمید نے صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ، سینئر نائب صدر علی حسام اسگر اور نائب صدر میاں زاہد جاوید سمیت مختلف مارکیٹوں کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ سی سی پی ذوالفقار حمید نے کہا کہ بمبئی، دہلی، لندن، شکاگو اور نیو یارک کی نسبت لاہور میں کرائم کی شرح کم ہوئی، لاہور محفوظ شہر بن چکا ہے، مزید کوشش کر رہے ہیں کہ کرائم ریٹ کنٹرول کریں۔ یہ میں نے نوٹ کر لیا، ایریل فائرنگ اردو بازار اور گمبت روڈ میں، اس پہ بالکل ایکشن فوراً ہو جائے گا۔ جو یہ ریلوے پھاٹک کا ایشو ہے، ہم کوئی نہ کوئی اس پہ ظاہر اپنی طرف سے بھجوا دیں گے، فائنڈنگ یا رپورٹ وغیرہ پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر ٹیک اپ ہو جائے گی۔ سی سی پی ذوالفقار حمید نے کہا کہ لاہور پولیس شہر میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ گھریلو ملازمین کی رجسٹریشن کی ایپ بنا دی اور کرایہ داروں کی آن لائن رجسٹریشن کی سہولت دے رہے ہیں۔ مین پرپز اس ساری ایکسرسائز اور ایفرٹ کا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ لوگوں سے ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے، اس کی لائٹ میں جو ساتھ ساتھ چینجز ہم کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ایک سینس آف اونرشپ، ایک سینس آف سیکیورٹی بڑھتی ہے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ مارکیٹوں کے عہدیداران نے مارکیٹوں، بازاروں اور سنتی زون میں مسائل کے حل کے حوالے سے سی سی پی او ذوالفقار حمید کو تجاویز دیں۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے پنجاب یونیورسٹی میں وزارت انسانی حقوق اور شعبہ جینڈر سٹڈیز کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات عفیفہ نصرالہ کی رپورٹ میں۔ پنجاب یونیورسٹی کے جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے کرسچن فاؤنڈیشن نے محکمہ انسانی حقوق اور جینڈر سٹڈیز کے اشتراک سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اعجاز عالم اگست، ایم پی عائشہ اقبال، ہیومن رائٹس کی ریجنل ڈائریکٹر لبنا منصور اور لیگل ایڈوائزر خاتون محتسب پنجاب چوہدری اسلم نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اعجاز اگسٹن کا کہنا تھا کہ خواتین کو پاکستان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اعجاز عالم اگسٹن نے سٹی 42 سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف ہمیشہ سے ہی خواتین کے حقوق کی دائی رہی ہے۔ جو ہمارے ملک کا 49% طبقہ ہے، ان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر حقوق کی بات ہونی چاہیے اور خواتین کی ترقی اور تبدیلی کے لیے بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ ایم پی اے عائشہ اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے مناسب قانون سازی کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے قانون سازی کی ہے، جو ہیلپ لائنز ہیں ان کا بتایا ہے بچیوں کو، ملک میں سب کچھ ہے الحمدللہ، لیکن بچوں کو گیپ بہت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کی آگاہی کے حوالے سے حکومتی اقدامات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہومبس پرسن کے لیگل ایڈوائزر تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کتنے کیسز آئے اور وہ امپلیمنٹیشن فیز میں کیا کیا ہوا۔ تقریب کے آخر میں صوبائی وزیر نے شرکا میں شیلز تقسیم۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ عفیفہ نصراللہ، لاہور۔ اسکول آف ہیلتھ سائنسز فاطمہ میموریل سسٹم کے زیر اہتمام ریسرچ ڈے 2020 کا انعقاد کیا گیا۔ طبی ماہرین، ویٹرنری میڈیکل طلباء کے 109 ریسرچ پیپرز پیش کیے گئے۔ فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ریسرچ ڈے 2020 کا افتتاح مہمان خصوصی چیئرپرسن فاطمہ میموریل شاہیمہ رحمان نے کیا۔ اس موقع پر 109 ریسرچ پیپرز پیش کیے گئے۔ شاہیمہ رحمان کا کہنا تھا کہ میڈیکل ایجوکیشن ریسرچ پیپرز اہمیت کے حامل ہیں، ریسرچ پیپرز آئندہ شعبہ طب کی تحقیق میں معاون ثابت ہوں گے۔
तो जब तक तहकीक नहीं करेंगे, एविडेंस नहीं ढूंढेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पाकिस्तान सुपर पावर है और कौन इसको बनाएगा, ये बच्चे बनाएंगे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ने तकरीब को रिसर्च पेपर्स पेश करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें हम ये असेस नहीं कर पाते कि जो हमारी हड्डी मुंह की है खास तौर पे, वो किस हिसाब में घिस रही है, खत्म हो रही है। तो ये रीसेंट स्टडी है जिससे पाकिस्तानी पॉपुलेशन को काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोग जब नया नकली दांत बनाते हैं तो वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने हमारे दांत बनाए हैं खूबसूरती के साथ, उसी तरह के हम कैसे बना सकते हैं। तो उसमें मैंने दो मेथड्स यूज़ किए थे उसको वैलिडेट करने के लिए, जिसकी वजह से उस स्टडी से हमें पता चला कि हमें मज़ीद इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। रिसर्च डे 2020 के मौका पर तिब्बी माहिरीन की जानिब से तलबा की रहनुमाई के लिए खसूसी लेक्चर्स का अहतमाम भी किया गया। डीन स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर रक्षंदा रहमान, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर बिलाल बिल न्यूनस, प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज प्रोफेसर आबिदुशर समेत शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाले तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। बेहतरीन रिसर्च पेपर्स पेश करने वाले शुरका में शील्ड्स व इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अदिल चौधरी के हमराह इमरान न्यूनस, TT42 लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सालगिरह। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सालगिरह पर जजेस, वकला और अजीज वकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन 12 मार्च 1965 को ग्वाल मंडी लाहौर के इलाके में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम चिनोड़ के इलाके से हासिल की, फिर फैमिली के हमराह अफ्रीका चले गए। कीनिया, युगेंडा और सऊदी अरब रहने के बाद वापस पाकिस्तान आए। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और GC से पोस्ट ग्रेजुएट किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB करने के बाद लाहौर से वकालत का आगाज किया। आईनी, सिविल समेत मुख्तलिफ कवानीन पर अबूर हासिल है। उधर लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर गुलकार आतिफ असलम की आज 37वीं सालगिरह है। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। पाकिस्तान के सफे अव्वल के गुलकार आतिफ असलम 37 बरस के हो गए हैं। आतिफ असलम 12 मार्च 1983 को वजीराबाद में पैदा हुए। 2004 में फने गायकी का आगाज अपनी पहली एल्बम जल परी से किया जो हिट साबित हुई। जहर, कलयुग, बस एक बार और फटा पोस्टर निकला, तेरे नाल लो रब हो गया, आतिफ असलम के गाए गए गाने बहुत मशहूर हुए हैं। आतिफ असलम के गानों ने बड़े सगीर में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। आतिफ असलम ने फिल्म बोल में अपनी आवाज़ के साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाए, जबकि कोक स्टूडियोज में भी इनके गानों को कई मिलियन बार देखा जा चुका है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल्म वक्त।